वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए थे, आज की क्लास उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की क्लास में जो कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए उसको हम फिनिश करके इस यूनिट को खत्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन से जहां पर मैं पहले क्रॉप कर लेता हूं, क्वेश्चन रहने देते नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। हाँ जी देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज अंडर, आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है यहां पे। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सी इक्वल्स टू 50, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, मतलब मीन सी बार होता है, प्लस 0.75, ये आपका एमपीसी होता है और ये आपका वाई होता है। ठीक है जी, कंजम्पशन फंक्शन है। और आपसे क्या पूछा, राइट द कोरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, इसी कोरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन क्या होगा। तो आप समझते हैं y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस s, तो y इक्वल्स टू c, c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको क्या 50 प्लस 0.75 y और प्लस s। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन निकालना है तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 50 प्लस 0.75 y, यहां पर आकर के माइनस हो जाएगा नहीं, और इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका एस रहेगा। तो एस क्या आया आपका, एस इक्वल्स टू वाई माइनस 50 माइनस 0.75 वाई इक्वल्स टू एस। क्लियर है जी, समझे। अब सॉल्व करेंगे यहां पर, सॉरी एस तो मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड में ही रहा। सॉल्व करेंगे अब यहां पर हमारे पास में माइनस का वाई, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया, ये y में से माइनस, तो एक तो माइनस 50 कॉन्स्टेंट फिगर, y में से माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका, तो ये आपका एक है ना, इसका कुछ भी नहीं, तो एक मानोगे तो एक में से 0.75 अगर आपका जाएगा, आप माइनस कर लीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास में, प्लस 0.25 वाई। खैर डायरेक्ट भी आप इस चीज को लिख सकते थे, मैंने आपको बता दिया है कि सेविंग फंक्शन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, बट आपको एग्जाम में प्रोसेस को दिखाना, स्टेप्स दिखाना, दिखा लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ पेपर तो खैर आपका सबसे स्कोरिंग रहने वाला है आपके लिए, यही सब न्यूमेरिकल से पेपर आपका जो है भरा हुआ रहेगा और वहां पर आप सॉल्व करेंगे, इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी सर, तो सेविंग फंक्शन पूछ रहा था आपसे, तो ये आपका फाइनल आंसर है पहले वाले सेगमेंट का। ठीक है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। तो कह रहे हैं कि आपके पास में जब सेविंग जीरो है तो इनकम का लेवल क्या होगा, तो जब आपका एस जीरो है, सेविंग जीरो है, इसमें इट मीन्स क्या होगा, इसी फंक्शन में जीरो इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस 0.25 बाई, जब आपकी सेविंग जीरो तो इनकम का लेवल क्या होगा, तो 50 इक्वल्स टू 0.25 बाई एंड वाई इक्वल्स टू 50 अपॉन 0.25, सॉल्व करेंगे दो जीरो और ये आपका दो, तो इनकम का लेवल क्या आया आपका 200 करोड़। क्लियर है जी, समझे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है इसका। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे आसान सवाल को, बेसिक सवाल को अब अच्छे समझ पाए हैं। हम पिछले लास्ट क्लासेस से इसको हम लगातार इस क्वेश्चन पे काम करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। क्लियर है, आइए अब हम जो है कुछ, ये तो लास्ट क्वेश्चन था, कुछ एक दो थ्योरी है उस पर नजर डाल लेते हैं स्टार्टिंग से, क्या क्या चीजें रह गई हैं, एक बार ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको पूरे चैप्टर का। पूरा ये आपका 10 ईयर है, 10 ईयर में इनकम, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का टॉपिक था, वो पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं ये। हाँ जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था जरा देख लीजिएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस, हाउ आर दीज रेशियोज इंटरलेटेड। सबसे पहले एक सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, पहला वाला ही सवाल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बार बार मैं बताने के लिए नहीं बताऊंगा कि आपका एपीसी क्या है, एमपीसी क्या है और एमपीएस क्या है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारा, है ना, फॉर्मूला वगैरह क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी
और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन ओवर द इनकम, ये बातें हो चुकी हैं हमारी, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी बातों पे चर्चा आगे खत्म करा हमने यहां पर। हाँ, एक्सप्लेन द केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? यह है कि इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, और इनकम कम होती है तो हमारा कंजम्पशन भी कम होता है। जैसे कि गरीब लोगों की इनकम कम होती है ना, तो उनका कंजम्पशन लेवल भी बहुत लो होता है, वो बहुत अपनी बस नेसेसिटीज को ही फुलफिल करते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी इनकम बहुत अच्छी है तो उनका कंजम्पशन ज्यादा रहता है, वो देखते हैं वो कभी शॉपिंग कभी ये कभी वो, उनका कंजम्पशन लेवल भी हाई रहता है। तो साइकोलॉजिकली यही कहता है कि अगर इनकम में चेंज आएगा, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं ये सब, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको आज की क्लास में, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है कि अगर इनकम में चेंज आया तो वो जो इनकम में जितना भी चेंज आया वो सारा का सारा नहीं तो कंजम्पशन पे ट्रांसफर हो जाएगा और नहीं सारा का सारा सेविंग में चला जाएगा। इनकम में जो बदलाव आएगा उसमें से कुछ आपका कंजम्पशन में ट्रांसफर होगा और कुछ सेविंग में आ जाएगा। मान लो मेरी तनख्वाह अगर 10,000 रुपए बढ़ जाती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 10,000 रुपए मेरा सारा सेविंग में चला जाएगा, नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं मैं। एक आधा इंडिविजुअल पर्सन कोई ऐसा हो सकता है, कर सकता है, पर ऑल ओवर नेशनल इनकम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर नेशनल इनकम बढ़ता है हमारा तो उसमें से हमारे हमारे नेशन का कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ेगा और सेविंग का लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर 1,000 रुपए अगर बढ़ जाता है तो उसमें से 300-400 कंजम्पशन में चला जाएगा और 700-600 जो भी है वो आपका सेविंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल लो कहता है केन्स का। तो इस बात पर चर्चा पहले हम डिटेल में कर चुके हैं। हाउ डज एन इंक्रीज इन वेल्थ अफेक्ट द केन्स कंजम्पशन फंक्शन? तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में यहां पर ये बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में वेल्थ कम है, बहुत ही कम वेल्थ है, कोई गरीब है ना, तो बेचारे के पास में रेफ्रिजरेटर है ना, कोई जो है टेलीविजन है ना, एयर कंडीशन है, तो ऐसे लोगों के पास, इसके पास वेल्थ क्या होता है? कम होता है। तो ऐसे लोगों का जो है ना कंजम्पशन भी कम होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अगर मान लो कि आप हैं, आपके आप बहुत ही जो है किराए के मकान में रह रहे हैं, आप पे किसी प्रकार के कोई ऐसे लग्जूरियस गुड्स नहीं है, लाइक एसी नहीं है, कार नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, और आपके यहां पर जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह से आपकी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट हो जाती है, क्लियर है? तो 50,000 से आपकी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट हो जाती है तो आप कंजम्पशन ज्यादा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप सेविंग करना ज्यादा पसंद करोगे ताकि आप अपने एसेट्स को डेवलप कर सको। आप सोचोगे सेविंग करते हैं मकान भी तो लेना है, सेविंग करते हैं रेफ्रिजरेटर लेना है, सेविंग करते हैं ये लेना वो लेना। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिसके वेल्थ कम होती है वो कंजम्पशन भी कम करते हैं, और जिसकी वेल्थ ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक अच्छे क्लास, मतलब के एक रिच क्लास फैमिली को अगर आप देखते हो तो उस सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, उनपे घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अच्छी तरीके से, कोई समस्या किसी तरीके की है नहीं, तो उनका कंजम्पशन का लेवल ज्यादा होता है क्योंकि उनको कोई सेविंग करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझे? समझे। तो क्या कहता है, हाउ डज एंड द इंक्रीज इन वेल्थ अफेक्ट द कंजम्पशन फंक्शन? अगर मेरा वेल्थ बढ़ेगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा क्योंकि मुझे अब सेविंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उस वेल्थ को डेवलप करने के लिए। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हमारा लास्ट क्लास में हो चुका है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एपीसी एंड एमपीसी, भैया बहुत बखूब अच्छी तरीके से हो चुका है ये, काफी टाइम से आपको ये पढ़ा रहा हूं मैं। वेयर एमपीसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एपीसी डिक्लाइन, ये सब बातें हो चुकी हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम। इसमें एक पॉइंट है, क्या? देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन मैंने बता दिया था कि दो तरीके का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बट कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहा है। तो सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। देखिए सवाल क्या है, सवाल बता देता हूं, एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन फंक्शन क्या था हमारा, सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और वाई। बेसिकली हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है डिपेंड, ये तो देखो आपको पता है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स रहेगा,
और आपको पता है कि आपका एमपीसी भी फिक्स रहता है, 0.5 0.7 जो भी है फिक्स रहेगा। तो बेसिकली सब कुछ किस पर डिपेंड करता है आपका, सब कुछ आपके इनकम लेवल पर डिपेंड करता है। अगर मान लो एमपीसी आपके पास में 0.5 है और इनकम आपका जो है 1,000 करोड़ है, तो आपका जो है बेसिकली कैलकुलेट करेंगे और आपके पास भी सी बार इक्वल्स टू मान लीजिए 200 है, तो चलिए आप कंजम्पशन जरा निकाल लीजिए, तो इनकम का 50% आपका कंजम्पशन हो रहा है और 200 तो आप ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो कितना 500 200 700 आ जाएगा ना, 200 तो करोगे करोगे, और प्लस आप इसका 500 कर 50% कर लोगे, मतलब 500 कर लोगे तो 700 आ जाएगा। और यहीं पर अगर इनकम लेवल मेरा जो है 2,000 हो मान लीजिए, तो अब बताएं जरा कंजम्पशन क्या होगा, तो खैर 200 तो रहेगा रहेगा, और प्लस इसका कितना हो गया 1,000, तो ये 1,200 हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरा इनकम लेवल, अगर मेरा इनकम और कंजम्पशन, अगर मेरा इनकम लेवल बढ़ेगा तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा। तो कंजम्पशन फंक्शन डायरेक्ट रिलेट किससे करता है, नेशनल इनकम से रिलेट करता है, कि नेशनल इनकम ज्यादा होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, नेशनल इनकम कम होगा तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन हमारा कम आएगा। तो सवाल मेरा यही है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। देखिएगा मैं जो भी बच्चे क्लासेस मेरी जाएंगी, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं सारे कंसेप्ट डेवलप कर चुका हूँ, सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ जो हमें 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक बार आपके सामने गो थ्रू कर रहा हूं, ठीक है, कि किसका आंसर कैसे करना है। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ये वही बात कर रहा है, कंजम्पशन फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है। इन इकोनॉमिक्स द कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। देखिए अब सवाल है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो बच्चे डिस्पोजेबल इनकम मैंने बताया ना कि अगर मेरी 1 लाख रुपए आमदनी है और 10% उसमें से मेरा टैक्स चला जाता है, तो मतलब कि 90,000 ही तो बचते हैं मुझे खर्च करने के लिए। तो आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद जो पैसा मेरा बचता है इसको मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ, उस इनकम को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख है तो मैं 1 लाख का कंजम्पशन नहीं कर सकता हूँ, मुझे टैक्स देने के बाद 90,000 बचे तो मैं 90,000 का कंजम्पशन कर सकता हूँ। तो मेरा कंजम्पशन मेरे इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, मेरे डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। तो कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम, द कंजम्पशन फंक्शन स्टेट्स दैट एग्रीगेट ऑफ रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन एन इकोनॉमी। तो कंजम्पशन फंक्शन ही बताता है कि इकोनॉमी के अंदर टोटल कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। इज अ फंक्शन ऑफ अ रियल नेशनल इनकम। द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन वॉज द दिस वन, कंजम्पशन फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आप ये लिख देंगे सबसे स्टार्टिंग में तो अच्छे से टीचर आपकी बात को समझ आएंगे। कंजम्पशन फंक्शन इज सिंपली अ नेम फॉर द जनरल इनकम कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब सीधा सा है कि भैया जनरल इनकम कंजम्पशन, मतलब कि इनकम का कितना पार्ट आप क्या कर रहे हो कंजम्पशन पे डाल रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द केन्स देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। पेपर में पूरे ग्राफ पैराग्राफ ही बनाना, ऐसे ही लिखना है आपको, मार्क्स चाहिए भैया तो ऐसे ही आप अपने थ्योरी को बना करके लिखिए, मेरी बात समझ रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर, तो जिससे कि आपको यहां पर फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, इट इम्प्लाइज दैट वेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज एंड वेन इनकम फॉल्स कंजम्पशन ऑल्सो फॉल्स, वही बात कह रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन। केन्स एडवोकेटेड दैट वेन द इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो, वही वाली बात कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। दिस लॉ फर्दर स्टेट दैट द पीपल हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन वेन देयर इनकम इंक्रीज बट नॉट ऑन द सेम एक्सटेंट as increase in income because a part of income is saved। मतलब कि ये वही कह रहा है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम का कुछ पार्ट सेव कर लिया जाएगा, ये बात बार बार कह रहा है, ये क्लियर है। तो वही आपके कंजम्पशन फंक्शन, और आपके पास में आगे एक सवाल इसी में एक क्वेश्चन और अटैच था, क्या था, वट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम and propensity to save, explain the determinants of the marginal propensity to consume, determinants,
आइए अब मेरा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिस वन, ये दो क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मैं इस पर आ जाता हूं, देखिएगा। हाँ, फर्स्ट पॉइंट कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस चीज पर डिपेंड करता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिटरमिनेंट्स किस चीज का मैं बोल रहा हूं आपको, डिटरमिनेंट्स ऑफ एमपीसी, जो कि बेसिकली क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि इनकम में जो चेंज आया उसका कितना पोर्शन कंजम्पशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इसका डिटरमिनेंट्स क्या है, एक तो इनकम ही इसका डिटरमिनेंट्स है, सब पहला डिटरमिनेंट्स कौन है, ऐसा आप हेडिंग डाल सकते हैं इनकम। इनकम इज द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम से ही डिसाइड होता है भैया कि आप कितना कंजम्पशन करेंगे। इस महीने अगर 2 लाख रुपए आपकी आमदनी हो जाए तो आप उस हिसाब से एक्सपेंस करेंगे, अगले महीने अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपए हो जाए तो आप उस हिसाब से एक्सपेंस करेंगे। लॉकडाउन में अगर आपकी आमदनी खत्म हो गई थी तो आपने उस हिसाब से आपने एक्सपेंस करा था। तो बेसिकली हमारा, हम इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन करेंगे इसको बोलते हैं एमपीसी, और इसका डिटरमिनेंट्स क्या है, हमारा इनकम है। इनकम इज द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड विद द फॉल इन इनकम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स। फर्स्ट पॉइंट ये रहा हमारा डिटरमिनेंट्स, इनकम हो गया। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, एक तो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक होता है इनइक्वालिटीज। तो एक इक्वल होता है, एक होता है इनइक्वल। क्लियर है, समझिएगा। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारा होता है इन इक्वल इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल का मतलब क्या होता है इस बात को समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, दो तरीके के होते हैं, दिस वन एक ये। आइए मैं फर्स्ट ये समझा रहा हूं। देखिएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो नेशनल इनकम होता है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक एसएचओ की जो तनख्वाह है और एक जो कांस्टेबल की तनख्वाह है दोनों की बराबर हो, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इनकम में तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग, कार्य के अनुसार, तो भैया आय में तो एक फर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये डिफरेंस तो आपका रीजनेबल डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर एक सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह, एक एसआई की तनख्वाह, यहां पर मान लीजिए कि 52-55 हजार रुपए है, 55,000 रुपीज जो न्यू ज्वाइनिंग है, मान लीजिए 55,000 रुपए है, तो एक कांस्टेबल की जो है सैलरी आपकी 42,000 रुपए के आसपास है। जबकि कांस्टेबल और आपका एसआई में बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आ जाता है हेड कांस्टेबल, फिर आ जाता है असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, फिर बनता है बंदा एसआई। तो मतलब इतने बड़े पोस्ट होने के बाद भी अंतर आया है, मानता हूं, तो आपके पास सिर्फ 8-13 हजार रुपए का लगभग, ये एक आइडिया है कि लगभग 13 हजार रुपए का फर्क आया है। तो यहां पर गैप तो होगा ही, पोस्ट के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग डिफरेंस तो होगा ही होगा, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक रीजनेबल गैप है यहां पर। ये गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखने को मिलता है कि अगर अब अगर मान लीजिए यही अगर गवर्नमेंट सेक्टर में एक जो प्योन है, मैं ये जो तनख्वाह बता रहा हूं बच्चे, ये मैं आपको बता रहा हूं एक नई ज्वाइनिंग की, जो ज्वाइन करेगा आज के डेट में 2023 में, अगर किसी की नौकरी लगती है तो पहले महीने जो तनख्वाह उठाएगा, मैं ये तनख्वाह बता रहा हूं पहले महीने का, कांस्टेबल 1-1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 90-90 हजार रुपए महीना तनख्वाह भी है, वो उनकी है जो आज रिटायरमेंट के कगार पर आ चुके हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 2023 में ज्वाइनिंग लेंगे
कि 2022 में जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया और उनकी पहले महीने की जो सैलरी मिली वो लगभग लगभग इसके आसपास है, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो यार, आप लोगों के लिए तो कितनी अच्छी अच्छी जॉब प्रोफाइल है, और पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो चीज समझ में आती नहीं है। अब सीजीएल तो नाम आपने सुना ही होगा एसएससी के अंदर, मैं बार बार एक बात कहता हूं लेकिन अभी आप सोए हुए हो, जीवन बहुत भटका देगा आपको। इसमें एक ऑडिटर की पोस्ट होती है, ₹52,000 सैलरी है ऑडिटर की, गवर्नमेंट जॉब स्टार्टिंग है, बाद में लाख डेढ़ लाख तक आराम से पहुंच जाती है, हर महीने 2-3 इंक्रीमेंट ऑडिटर है भाई। अब कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हो आप सरकारी महकमे में जाकर के बनिए ना अकाउंटेंट और ऑडिटर, वहां तनख्वाह भी मिलेगा। यहां बन जाइए, आप बनिए, अगर आप कॉमर्स हैं और आप कहीं अकाउंटेंट बनने जाएंगे तो आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 15,000 होगी, 18,000 रुपए होगी, ये होगी। अब आपको 18,000 चाहिए तो भी इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके साथ में। तो हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में, अगर मैं यहां पर बताता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक प्योन होता है जो आज के टाइम में ज्वाइनिंग लेता है, उसकी तनख्वाह 27-28,000 रुपये होती है, दिल्ली की बता रहा हूं मैं, एक प्योन जो है दिल्ली में 28,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। क्लियर है? जो इससे ऊपर है कलर, जो इस प्योन के ऊपर थोड़ा सा और ऊपर पोस्ट पे आ गया है कलर के, उसकी तनख्वाह जो है 40,000 रुपए के आसपास है कलर की। क्लियर है? और जो सीनियर क्लर्क है उसकी तनख्वाह जो है 45-48,000 रुपए के आसपास होगी, कुछ ऐसे है प्योन से लेकर के। और हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो प्योन है प्राइवेट में, तो डिफरेंसेस तो होगा भैया पोस्ट के हिसाब से, बट ये रीजनेबल डिफरेंसेस है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे ना, ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर प्योन की तनख्वाह कितनी मिलेगी आपको? 8,000 या 12,000, 10,000 मान लेते हैं, 12,000। ठीक है, एक ऊपर पोस्ट पे जो काम कर रहा है, एक एमबीए वगैरह है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? उसकी तनख्वाह वो भी कई लाख रुपए नहीं कमा रहा है, अगर लग गई तो लग गई, किस्मत है उसकी भी, बहुत घूम रहे हैं एमबीए करके लोग। हाँ जी, तो 35,000 और 12,000। तो यहां पर आप देखिएगा, देखिए या तो आप अपना बिजनेस कर लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप IIM वगैरह से, आप MBA हो, अच्छे लेवल से हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो, दूसरी चीज ये, या फिर आप जो है CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA वगैरह, ये प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आप हो, ठीक है, अदरवाइज आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, बात समझे। ये इधर उधर से MBA का जुगाड़ कर करके कहीं पे जा करके लगना, वो आपके लिए बड़ी भयंकर स्थिति पैदा कर देगी। तो 35,000 और ये आपके पास में क्या है, 12,000 रुपए। तो यहां पर बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है आपको? तो ये जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि भैया पोस्ट में चेंजेस तो है, तो इनकम में भी चेंजेस है, बट वो एक रीजनेबल गैप है। एक सफाई कर्मचारी की भी तनख्वाह 45-50,000 रुपए, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 50,000 रुपए है। और यही अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाकर देखते हैं तो यहां पर इनकी 7-8,000-6,000 रुपए ऐसे रख करके इनसे काम करवाया जाता है। तो यहां पर बात कुल मिलाकर के यह है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है कि एक गैप तो होगा, बट वो एक रीजनेबल गैप होगा। अब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं और आप एक नर्स की तनख्वाह देखते हैं जो सरकारी अस्पताल में है, वो 60-70,000 रुपए है, और डॉक्टर जो है वो 1-1.25 लाख रुपए, तो गैप है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो डॉक्टर आपका 1-1.5-2 लाख रुपए ले रहा है, बट एक जो नर्स है वो 15,000 में काम कर रही है। तो ये जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल दिया, इसको बोलते हैं इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, जो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जांपल दिया, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में गैप तो होगा, लेकिन वो गैप ज्यादा नहीं होगा, गैप वो थोड़ा बहुत गैप होगा। क्लियर है? और इन इक्वालिटीज जब होता है तो वहां पर गैप आपको बड़ा गैप देखने को मिलता है। तो जब एक इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा दिस वन, तो इसका मतलब यह कि परचेसिंग पावर सबकी ज्यादा होगी। एक कांस्टेबल के पास भी परचेसिंग पावर, एक एसआई के पास में भी है, तो यहां पर आपका जो है ना कंजम्पशन ज्यादा होगा इस सिचुएशन में। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, अगर इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो ये कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा वर्ग जिसकी इनकम काफी लो रहेगी, वो कंजम्पशन नहीं कर पाएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑलमोस्ट ऑल, अगर इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो लगभग सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंजम्पशन के अंदर, क्योंकि सबकी परचेसिंग पावर अच्छी रहती है। तो वहां पर आपके कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। और अगर इन इक्वालिटीज होगी तो वहां पर आपका समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी आमदनी का बहुत निम्न स्तर रहेगा, जिससे की वजह से कंजम्पशन कम कर पाएंगे। क्लियर है?
बैंक क्लर्क में भैया क्यों यार बैंक बैंक में जा रहे हो? आप बैंक में जाओगे ठीक है, इतनी हेडेक वाली जॉब करोगे, आप पीओ की जॉब करोगे इतनी हेडेक वाली, और वो काफी ज्यादा टफ भी है। यहाँ सीजल का एक ऑडिटर आपके एंट्री मार देगा, सीजल में लगा हुआ ऑडिटर, तो आप तो क्लर्क हैं, पीओ भी पसीने छूट जाएंगे उसके, ऑडिटर आ गया ऑडिट करना है, वो तो बात ही नहीं करेगा पीओ से। तो पावर है ना एसएससी में, सीजल पैसा तो है लेकिन पावर है जिसे कहते हैं, है ना। आप एंट्री मारो तो पूरा स्टाफ खड़ा हो जाए, ना उसे कम मेहनत में पावर पैसा दोनों मिल रहा है तो क्यों जा रहे हो उसमें? अवेयरनेस की कमी से बच्चे ना भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कहते हैं एक डेस्क जॉब चाहिए, एक डेस्क जॉब चाहिए, पता नहीं। अरे भैया ऑडिटर कौन सी जॉब है? डेस्क जॉब ही तो है। अकाउंटेंट असिस्टेंट कौन सी जॉब है? सीएजी कैग के अंदर कौन सी जॉब है? अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर कौन सी जॉब है? सब डेस्क जॉब ही तो है, तो एसएससी के अंदर है तो सही। हाँ जी, एक आपका हो जाता है वेजिस लेवल। देखिएगा अगर जनरली लोगों के पास में वेजिस, यूजली देर इज द, मैं आपको पहले बता देता हूं इसके बारे में क्या था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आल्सो इन्फ्लुएंसेस द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हायर द इनकम इनइक्वालिटीज लोअर विल बी द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इनइक्वालिटीज ज्यादा रही, इनइक्वालिटीज कह रहे इक्वालिटीज नहीं, तो वहां पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम रहेगा। इन केस देर इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी हायर। बात समझे या नहीं समझे? हाँ जी, वेजिस लेवल, यूजली देर इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेजिस लेवल एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है, अगर लोगों के पास वेजिस लेवल ज्यादा है देश में, लोगों की तनख्वाह ज्यादा ज्यादा, मोटी मोटी तनख्वाह मिल रही है लोगों को, कंजम्पशन लेवल भी ज्यादा रहेगा, और लोगों की आमदनी बड़ी कम है, निम्न स्तर का कंजम्पशन लेवल भी कम होगा। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आमदनी बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा रहती है, तो यहाँ कंजम्पशन का लेवल भी ज्यादा। देखिए शाम को सारे निकल जाते हैं बाहर खाने पीने के लिए, शॉपिंग वॉपिंग के लिए, बट अगर कोई गाँव में जहाँ पर वेजिस कम है, गांव में यूपी या फिर बिहार एग्जाम्पल ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए एग्जाम्पल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या है वेजेस कम है लोगों के पास में, तो वेजेस कम है तो वहाँ कंजम्पशन का लेवल ही देख सकते, बस वो से अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं। तो ये वही है कि जहां पर वेजेस लेवल अगर यूजली ज्यादा रहेगा, कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। इंटरेस्ट रेट, भैया इंटरेस्ट रेट के बारे में बता देता हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट बैंक, अगर एक बार बताओ बैंक अगर 20-20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लग जाए, मैं क्या करूंगा? मैं फटाफट जाकर पैसे बैंक में रख दूंगा, बोलो कंजम्पशन करते रहेंगे यार, जमा करते हैं, ब्याज आएगा यहाँ से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा होता है ना, तो लोग सेविंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कंजम्पशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ना, हटाओ यार, कौन 1-2% क्या क्या कर लेंगे बचा के, चलो खत्म करते हैं। अ मेजर राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज द पीपल टू सेव मोर एंड कंज्यूम लेस। क्लियर है जी, समझ में आया? क्लियर है जी, कोई डाउट? होल्डिंग ऑफ द लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स क्या होता है? जैसे कि कैश वगैरह आपके पास में है ना, जिसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन पीपल होल्ड ग्रेटर अमाउंट ऑफ द लिक्विड एसेट दे टेंड टू स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन। अगर आपके पास कैश वैश ज्यादा है तो कंजम्पशन का लेवल ज्यादा रहेगा। अब मकान उकान अगर आपने 5-7 मकान ले रखा है, और इसको फिक्स असेट्स कहते हैं, लिक्विड एसेट नहीं कहते हैं, तो आप किसी चीज पे कंज्यूम करने के लिए मकान थोड़ी बेचने लग जाओगे। पर कैश वैश घर में पड़ा हुआ है तो कहते हैं पैसे जेब में आता टिकते नहीं है, मतलब क्या है, लिक्विड एसेट्स आएगा तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। बात समझे? क्लियर है? गेन्स और लॉसेस, तो जब इकोनॉमी में फर्म्स को गेन हो रहा है तो कंजम्पशन लेवल ज्यादा होगा, लॉसेस में कंजम्पशन लेवल कम होगा। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक बजटरी पॉलिसी में बजट आता है। जब गवर्नमेंट अपने बजट में ये बोलती है कि हम टैक्स को कम कर रहे हैं, तो जब टैक्स को गवर्नमेंट कम कर देगी, ये फिस्कल पॉलिसी होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये तो क्या इंटरेस्ट रेट, तो ये आपका जो है मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, बट टैक्स जो से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं इसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट होती है। इस बार बजट के अंदर अनाउंस हुआ था टैक्स स्लैब को लेकर के, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर देती है। टैक्स रेट को क्या करा गवर्नमेंट ने, कम कर दिया। तो आप बताइए, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, पहले 10% टैक्स देता था, तो पहले 10,000 रुपये टैक्स देता था, कंजम्पशन के लिए कितना बच जाता था, रेस्ट डिस्पोजेबल इनकम कितना रहता था, 90,000 रुपए। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, 5% कर दिया, और मैंने इस साल फिर 1 लाख में से 5,000 टैक्स दूंगा, अब मेरे पास में डिस्पोजेबल इनकम कितना बचेगा, 95,000। तो मतलब कि टैक्स रेट कम हो जाने से फिस्कल पॉलिसी में मेरा कंजम्पशन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। तो जब टैक्स रेट कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। टैक्स रेट ज्यादा होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। ये वही बात कर रहा है, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट।
डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द कंजम्पशन फंक्शन. जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसको, कंजम्पशन फंक्शन को. फॉर एग्जाम्पल हैवी टैक्सेशन प्राइस कंट्रोल एंड रैशनिंग बाय द गवर्नमेंट कैन द एडवर्सली इफेक्ट द कंजम्पशन फंक्शन. चेंज इन द एक्सपेक्टेशन, मान लो कि चेंजेस कुछ आ रहे हैं एक्सपेक्टेशन, वेन द पीपल एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ द एमरजेंसी इन द नियर फ्यूचर दे स्टार्ट परचेसिंग मोर लीडिंग एंड द अवर शिफ्ट इन द कंजम्पशन. अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन आ जाती थी कि लॉकडाउन में ना ऐसी कुछ चीजें आ गई थी कि 2 महीने के लॉकडाउन लगेगा, अनाज अनाज नहीं मिलेगा सब कुछ, तो लोग देख रहे थे कैसे राशन की दुकान में कैसे भीड़ लगी थी सामान को लेने के लिए. एक भारी भरकम मात्रा में राशन की दुकान पे, परचून की दुकान पे एक भीड़ लग गई थी सामान को लेने में, शॉपिंग करने में. तो यही होता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जब होती है तो फिर लोगों की डिमांड जो है बढ़ जाती है शॉर्टेज की अगर होगी तो. क्लियर है? तो यही पॉइंट्स हैं, इतने ही पॉइंट्स पढ़ लोगे इनफ है, क्योंकि आपको बाकी पूरा पेपर भी तो अटेम्प्ट करना है आपको. अब बात कर लेता हूं यहां पर मैं किस चीज की, यहां पर मैं बात कर लेता हूं डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ जी देखिए जरा, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है ना, खासकर कुछ वो ऐसी चीजें जिसके अंदर हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर उसको फुलफिल नहीं कर सकती है. मतलब एक ऐसी चीज जहां पर कैपिटल तो बहुत भारी भरकम मात्रा में लगेगा, रिटर्न एक बहुत लंबे समय के बाद रिटर्न आना शुरू होगा, या रिटर्न को रिकवरी करने में एक लंबा समय लग जाएगा. तो यहां पर जो प्राइवेट, मेरे और आप जैसे जो लोग हैं, हम बोलेंगे इतना भारी भरकम पैसा भी लगाना और 50-40 साल में 30 साल में तो इसका जो है हमें कॉस्ट ही रिकवर होगा, उसके बाद हम जो है हमारी अगली जनरेशन प्रॉफिट कमाएगी. तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर इसमें जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. तो लेकिन ये चीजें एक सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, एक इकोनॉमी के लिए नेसेसिटीज भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईवेज डेवलप करना, रोड बनाना, ये बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन यहाँ पर प्राइवेट फर्म जो है बेसिकली इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती है. या रेलवे ट्रैक बनाना, क्योंकि यहाँ पर जो है एक हैवी कैपिटल भी लगेगा और रिकवरी भी एक लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को पीछे कर लेती है. बट एक इकोनॉमी डेवलपमेंट के पर्पज से, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी चीजें हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट यहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करती है. तो इस इन्वेस्टमेंट को हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि गवर्नमेंट करती है. सिर्फ ये हाईवेज और रेलवेज ही इसका एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनी गवर्नमेंट चला रही है जिसको, जैसे आपके पास में ONGC हो गया और भी कंपनी हो गया, LIC में कंपनी है, पेट्रोल में है, तो बहुत सारी कंपनी भी गवर्नमेंट चला रही है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. क्लियर है जी, समझे? इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, बेसिकली कि समाज का कल्याण हो, क्योंकि सरकार इसलिए इसमें हस्तक्षेप करती है. अब जैसे कि रेलवे की टिकट सस्ती है, अगर देखा जाए तो 500-700 रुपए में आप इतनी दूर की यात्रा आप आराम से आज के डेट में आप कर सकते हो, कि 500-700 रुपए में एक स्टेट से दूसरे स्टेट दूर दराज आप पहुंच सकते हो. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये काफी इकोनॉमिकल रहता है लोगों के लिए, ताकि सोशल वेलफेयर हो पाए, पब्लिक वेलफेयर हो पाए. तो इसका बहुत लो प्रॉफिट पे, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाते, कमाते हैं बट लो प्रॉफिट कमाते हैं. और यही अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाए तो यही देखिए टिकट किराया कितना कर देंगे. तो यहीं पर आप समझिएगा कि इसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं आप. और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसका मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है. जो प्राइवेट फर्म वगैरह, मुकेश अंबानी, अडानी, जो ये नाम सुनते हैं, ये सब प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं. क्लियर है? पब्लिक इन्वेस्टर रेफर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बनाती है, टू प्रोवाइड द बेसिक रिसोर्सेज लाइक द वाटर, सैनिटेशन एटसेट्रा, विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डिलीवर नहीं किया जा सकता. इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी इससे एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल.
इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना। रोड बनने से क्या होगा, रोड बन जाने से, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो जाने से क्या होगा, गांव में भी फर्म बन सकते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल गांव से शहरों में आ सकता है, या फिर गांव से फिनिश गुड्स शहरों में आ सकता है, या शहरों से फिनिश गुड्स गांव में जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंपली रेफर टू द इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट इन अ पर्टिकुलर एसेट्स वेदर द थ्रो द सेंट्रल और लोकल, कोई भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द बिजनेस एंड द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉर द पर्पस ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। बेसिकली इनमें बीच में डिफरेंशिएट अगर आपके पास में आ गया तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, जो पब्लिक जो कंपनी होती है ना, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, इसके जो शेयर्स होते हैं, इसके जो शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आपने इसके शेयर बेचे ना, गवर्नमेंट कंपनी को शेयर जो बेचे, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इसको कैश में जल्दी से कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर के जो भी शेयर्स होते हैं, जो सरकारी कंपनी है उसके भी अपने शेयर्स लॉन्च होते हैं, LIC जैसे कि लॉन्च हुआ, और भी जो है कंपनी होगी, ONGC पेट्रोलियम वगैरह, जो भी जितनी भी सी कंपनी है, पहले एक MMTC भी नाम की कंपनी थी गोल्ड की। तो जो है इसके जो शेयर मार्केट के जो शेयर्स होते हैं उसको अगर आप दिन में सुबह बेचोगे तो शाम तक आपका वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे बेचेंगे रिटर्न में। तो इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। बट अगर आपने इसमें प्राइवेट सेक्टर के अगर आप शेयर बेचोगे, इसमें 2 से 3 दिन का प्रोसेस आपका लग जाता है, बहुत सारे प्रोसेस से फॉलो करके निकलना पड़ता है। तो ये आपके पास में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसमें लिक्विडिटी हाई ज्यादा होती है, इसमें लिक्विडिटी कम होती है। क्लियर है? रेगुलेशंस, तो आपके पास में इसमें रेगुलेशंस ज्यादा होती है, इसमें टाइम टू टाइम मॉनिटरी भी होती है, बट यहाँ पर रेगुलेशन कम होती है, मतलब इसको रेगुलेट जो है कम करते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर इंस्टॉलमेंट देखनी पड़ती है। साइज भैया, पब्लिक सेक्टर का साइज बड़ा होता है कंपेटेबली टू प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है? ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी रहती है, ये अपना प्रोस्पेक्टस भी यूज करते हैं कि क्या काम है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या कैसे काम कर नहीं कर रहा, सारी डिटेल जनता को देते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ चीजें मैंडेटरी नहीं है। तो भैया ट्रांसपेरेंसी तो ज्यादा कहां मिलेगी आपको, पब्लिक सेक्टर में आपको मिलेगी। क्लियर है? रिस्क भी आपको ज्यादा यहां पर देखने को आपको मिलता है। रिटर्न्स, इसमें लो रिटर्न्स होता है, इसमें काफी हाई रिटर्न्स होते हैं। अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारा, अच्छे से बताया था इसके बारे में मैंने, ये सब बता दिया लास्ट क्लास में है ना, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने कैसे वर्क करता है। तो भैया ये चीजें होगी हमारी तरफ से समाप्त, अगली कक्षा में पढ़ेंगे एक नया यूनिट, ये यूनिट भी खत्म।